सेज इसका काम वो मैं कर लूंगी, लेकिन ही शुड प्ले, ही शुड विन। आई विल विन। नोट मेरे सह भाइयों को तो मैं मिलवाता हूँ आपको, वैसे तो सभी जानते हो कि नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो भैया हमारी इंडिया की शान रजत गोयल भैया, मैं आगे गुप्ता भी बोलने वाली थी। सारे बनिया कॉम भाइयों और बहनों, तो भैया अभी खेल के आए हैं एनएमएच ओलंपिया रोमानिया से। तो बाकी की डिटेल भैया बताएंगे। अच्छा मैं आपको पहले गाइस बता दूंगी कि ये इतना थोड़ा चिपक के क्यों बैठे हैं। ये चिपक के लिए इसलिए बैठे क्योंकि हम डिनर के लिए आए थे, आज राखी है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे YouTube चैनल पे जितने भी मेरे और दीपक के, मैं चाहती हूँ कि वो कुछ एक्सपीरियंस भैया से ले। भैया कैसा रहा आपका, मतलब एकदम अचानक से आपने भाई मौके पे चौका मार दिया। भाई आप यू आर द फर्स्ट इंडियन जो इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पे गए, उससे पहले आप लास्ट ईयर दुबई होकर आए थे, जो कि आज तक कोई हमारे इंडिया का बंदा टॉप 5 में भी नहीं आया है। और आपने बहुत, ये बहुत ही बहुत प्राउड मोमेंट है भैया। और रोमानिया तो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो भैया मतलब क्या आया आपके दिमाग में अचानक से रोमानिया का? क्या क्या फेस करना पड़ता है बाहर जाके एक एथलीट को ना, कि हमें लगता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया अच्छा, इंडिया अच्छा नहीं है, बाहर ज़्यादा अच्छा है, ऐसा क्या? तो सबसे पहले तो मैं बिंदिया, इस साल कम्पीट कर रहे हो आप? नहीं, हम दोनों में से एक्चुअली एक जना कम्पीट कर सकता है, तो मैंने गिव अप कर दिया इनकी प्यार की खातिर। ओहो कुर्बानी कुर्बानी। नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते प्रेप के साथ, आप बच्चे नहीं देख सकते, और दोनों एक दूसरे को मोर डालेंगे अगर हम। और गाइस इनके दो दो जिम है, बहुत अमेजिंग, अपना इतना अमेजिंग जिम है। एक राइनोज मालवे नगर, जो आपने पहले के मेरे उसमें व्लॉग में देखा था, और एक इनका नया जिम है द राइट कोच GK2। और बहुत जल्द व्लॉग बनाने आने वाली हूँ मैं वहाँ पे। दीपक और रजत भैया वर्कआउट करेंगे और बिंदिया इनको पोजिंग सिखाएगी, तो बड़ा मजेदार होने वाला है वो। तो आप जा सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दोनों के एड्रेसेस डाल दूंगी। तो बिंदिया ये रिटायरमेंट कह सकते हैं इसको? रिटायरमेंट यस, बिकॉज अब मैं वापस नहीं का, हमेशा लास्ट ईयर ही बोला था रिटायरमेंट। बस आप गेम नहीं खेलोगे, लेकिन आप नहीं रिटायर एक्चुअली नहीं बोलूंगी, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली प्रेप ही करूंगी, अपने आप को बेटर करूंगी, लेकिन हाँ मैं स्टेज नहीं चढ़ूंगी, बिकॉज उसमें डिफरेंट माइंडसेट चाहिए। जीऊंगी एथलीट, मरूंगी शायद। मेरे पापा भी विद हिज शूज ऑन, उनकी डेथ हुई थी, एंड मैं भी ऐसे मरना चाहती हूँ विद माय शूज ऑन। सो ब्यूटिफुल। सो रजत भैया, जैसे आप रोमानिया गए, मैं ये इसलिए बनाना चाह रही हूँ कि कोई एथलीट अगर सोचता है, तो पहले तो आप पूरा गेम का आप मुझे नाम बताइए, मतलब इस गेम का नाम क्या था? रोमानिया में 11 साल बाद मास्टर ओलंपिया हुआ था। अच्छा। जो 2012 में लास्ट मास्टर ओलंपिया हुआ था, उसके बाद से उस पर कुछ मतलब उन्होंने कंडक्ट नहीं किया IFBB वालों ने, लेकिन इस साल उन्होंने रीस्टार्ट किया है। जो फर्स्ट उसका एडिशन मास्टर ओलंपिया था रोमानिया में, और जितने भी प्रो ओलंपियाज थे जो 30-40-50 प्रो शो उसका खेल चुके हैं एंड ऑल, तो वहाँ पर सबने कम्पीट किया था। देर वर 10 डिवीजन के सारे ओलंपिया हुए थे, और उसमें ही एक अमेचर ओलंपिया शो भी था अमेचर एथलीट्स के लिए। इसमें प्रो कार्ड था, 27 प्रो कार्ड थे इन ऑल द डिवीजन। तो रोमानिया, अच्छा जैसे आप गए वहाँ पे, तो भैया इसमें कितने आपका खर्चा आया है इसमें? क्योंकि एक एथलीट अगर सोचे बाहर जाने का, क्योंकि सोच के अंदर से लगता है कि यार हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा पहला सवाल आता है। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा उनको ये पता चल चुके कि यार क्या खर्चा आ सकता है इसके अंदर, टिकट्स कितने की हुई, रजिस्ट्रेशन कितने का होता है, ये थोड़ा सा, हाँ जी ये थोड़ा सा आप बताएंगे कि टिकट्स वगैरह और कैसे, कितने की, कितने घंटे का सफ़र था आपका? सबसे पहले तो मान लीजिए एक ऐसा एथलीट है जो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है जी, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस को अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये धारणा बनी हुई है कि आप बाहर के एथलीट से हमेशा ही हल्के हो, आप उनसे कम्पीट करोगे तो आप हारोगे ही, या आपका कहीं वैल्यू नहीं होगी, आप स्टेज पे दिखोगे नहीं। गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ वहाँ के लोगों का जीने का तरीका, वहाँ के जेनेटिक्स और वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन इस तरीके का है जो बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन उन लोगों में वो जज्बा नहीं है जो हम हिंदुस्तानियों में, ठीक है। तो वो अपने जीन से जीतते हैं, हम अपने जज्बे से जीतते हैं।
पर्सनली बोलूँ, मैं एक बनिया आदमी हूँ, ठीक है। मेरे जीन्स कोई भी भगवान ने इतने अच्छे नहीं दिए, ना मैं इतनी अच्छी जगह से हूँ जहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन भैया यूपी बधाई से है, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करूंगा तो मैं अपने ड्रॉबैक्स को पीछे छोड़ सकता हूँ, उन्हें मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और काफी मैंने अपनी बॉडी पार्ट्स को ऐसा किया भी है और कर भी रहा हूँ। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कुछ कुछ चीज, इनकी क्लिप्स दिखाऊंगी। तो और बात रही, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज बाहर जाके टिकट, भैया टिकट कितने की, हाँ जी, आप लोग बाहर जाके जरूर खेलो तो आपको वाकई में पता चलेगा कि आप लोग, हम लोग कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे इंडियन। दूसरी चीज अगर फाइनेंशियल चीज को देखा जाए तो गाइस प्लीज ध्यान रखना, आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए केवल टिकट खरीदना प्लेन का, या वहां पर रहना या रजिस्ट्रेशन कराना इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आपको मैं बताऊं, जितना आप एक प्रेप में यहाँ पे खर्च करते हो, 3 से 4 महीने की प्रेप में या 5 महीने की प्रेप में आप खर्च करते हो, हाथ दब जाएगा आपका, उस उतना पैसा वहाँ पर आपका 1 हफ्ते के अंदर लग जाएगा। मैंने सुना है बिंदिया बता रही थी कि आपकी पर डे की मील जो है 10,000 रुपए की थी। वो इसीलिए थी क्योंकि आप देखो, सबसे पहले तो कन्वर्जन रेट रोमानियन अराउंड 20 रुपीज के आसपास है, वहाँ पे यूरो भी चलता है और वहाँ पे लेई भी चलता है, रोमानियन लेई। अच्छा, अब उसमें अगर मेरे को कोई चीज 100 लेई की है तो ऑटोमेटिकली वो 2,000 रुपए की हो गई, ठीक। और अगर मुझे दिन में 6 मील खानी है तो मेरी, अगर मैं कुछ भी करके अगर चलो 5 भी खाता हूँ तब भी 10,000 रुपए की हुई, अगर 6 खानी है तो मेरी 12,000 रुपए की हुई। और वो पोर्शन साइज के हिसाब से मील्स देते हैं, अगर आपका पोर्शन साइज 100 ग्राम का है तो वो इतने का, अगर वही 200 ग्राम का हो जाएगा तो वो और पैसे उसके बढ़ जाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंडिचर है उस चीज़ का, अगर इस हिसाब से आप लगाओ तो वहाँ पर एक दिन, अगर मिनिमम से मिनिमम आप स्टे करते हो तो एक दिन में आप वेट दोगे और 2 दिन इवेंट होता है। 2 दिन इवेंट में भी हो सकता है आपका पहले दिन इवेंट हो जाए, आप पर रहना ही रहना है, 3 दिन केवल इवेंट के लिए रहना है। पहले दिन आप एक दिन वेट आप दोगे, उस दिन आपको जाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी होता है, और 2 दिन इवेंट होते हैं, उस 2 दिन में आपका पहले दिन भी हो सकता है और दूसरे दिन भी हो सकता है, या एक दिन प्री जजिंग भी हो सकती है। तो आपकी प्री जजिंग भी हुई थी? प्री जजिंग भी हो सकती है और दूसरे दिन फाइनल भी हो सकती है। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मेरा 1 दिन वेट था, फिर 1 दिन का गैप था जिसमें मेरा इवेंट नहीं था और मेरा इवेंट दूसरे दिन था, मतलब ऑल इन ऑल 3rd दिन था जिसमें मॉर्निंग में जनिंग थी और इवनिंग में फाइनल था जी। तो उन 3 दिन का आप खर्चा लगा लो कि 12 × 3 = 36,000 36,000 इज ओनली फॉर द गाइस। पीके मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ स्पेशली आपके लिए था, रात के 11 बज के, देखिए टाइम भी देख लो आप, राखी आज सिर्फ भैया का दिल है क्योंकि वो चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू इनकरेज यूथ बिंदिया एंड रजत एंड टेल द रियलिटी कि हमारे यहाँ पर कितनी चीजें अच्छी हैं। तो आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुए, जैसे आप गए वहाँ पे, तो क्या कहाँ इंडिया, और किसी की मैं बुराई तो नहीं कहूँगी, इंडिया किस किस जगह पे अच्छा है, और इसमें मैं बोलूंगी, हाँ जी, एक तो सबसे पहले जब भी आपका कंपटीशन है, फीस आपकी 30,000 रुपए थी, 30,000 रुपए केवल फीस था रजिस्ट्रेशन का, टैक्सेस वगैरह सब मिला के। उसके बाद अगर आपको अपने पिक्चर्स चाहिए उसके सेपरेट आपको 10,000 रुपए देने हैं जी, आपको वीडियो चाहिए उसके सेपरेट 10,000 रुपए देने हैं, फोटो के अलग और वीडियो के अलग, वो इसलिए क्योंकि, और अगर साथ में कोई बंदा जाना हो, नहीं मैं बताती हूँ आपको प्रोफेशनल कैमरास अलाउड नहीं है, जो कि इंडिया में कोई मना नहीं करता, तो ये इंडियंस के लिए अच्छा है, इंडियंस के लिए अच्छा है। दूसरी बात, आपके सपोर्टर्स, आप जब इंडिया में खेलते हो शेरू क्लासिक IHFA ओलंपिया, आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको प्रॉबेबली लोग काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है बाहर और यहाँ पे। आपको एक एथलीट टैग मिलता है साथ में, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उससे 3 दिन एंट्री कर सकते हैं और 3 दिन बैक स्टेज जा सकते हैं और अपने पार्टनर की टैग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो कितने का पड़ा? वो अलग से टैग इनको खरीदना पड़ा, इन्होंने पे करा था, अगेन 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ फॉर 3 डेज, नहीं फॉर 1 डे, फॉर 1 डे मतलब 30,000 रुपए उसी दिन। ओ तेरे, 10,000 रुपए। और यहाँ तो भाई जो भाई काफी सारे सपोर्टर्स जाते हैं भाई, यहाँ तो काफी सारे जाते हैं, लेकिन आपको अगर वहाँ पे बैंड मिल गया, अगर एथलीट सपोर्टर बैंड मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एंट्री फ्री है, जो यहाँ पे आपकी एंट्री फ्री है उस बैंड से, वहाँ पे आपको एंट्री। इंडिया में तो यार बड़ा प्यार है, प्यार प्यार में भैया प्लीज करा दो एंट्री, बहुत ही प्यार प्यार में चीजें होती है। फीस दी है उन्होंने, ये तो बैक स्टेज की बात हो गई, जो आपके कोच या आपका पार्टनर जा सकता है, आपको अरीना में घुसने के लिए भी 10,000 रुपए नहीं,
8,500 रुपए का टिकट अलग से लिया है। एक ग्लास पानी देना प्लीज, बर्फ डाल के। हाँ, अरीना में घुसने के लिए आई थिंक 6,000-8,000 रुपए का टिकट था, वो सेपरेटली लिया है। तो आप जब तक अरीना में नहीं घुसोगे तो बैक स्टेज कैसे जाओगे? अरीना में घुस के आप केवल शो देख सकते हो। अगर आपके पास बैक स्टेज टिकट है तो आप अरीना में नहीं घुस सकते, आपके पास दोनों होने चाहिए। तो आप सोचो, रजिस्ट्रेशन, आपके फोटो, आपका वीडियो, आपके सपोर्टर का अरीना में 1,00,000 तो मोटा मोटा यही हो गया। 1,00,000 नहीं, आप मानो 20, 30, 50, 50 और 8, 50 और 6, 56 अराउंड आप मान लो 65-70,000 70,000 और ये 70,000 रुपए केवल आपके और आपके साथी या कोच की एंट्री के लिए है। ठीक है, एक जने की है, दो जाएंगे तो डबल हो जाएंगे। भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन, चलो ये तो पता चल गया कि करीबन एक बंदे को 2,250। अच्छा, टैनिंग का कितना प्राइस है? 100 यूरो के आसपास है, तो लगभग हो गए आपके 9,500 रुपए या 10,000। अगर आप वही लमसम इंडिया के जैसा ही है, प्रो टैनिंग होता है वैसे, ऑप्शनल होता है, लेकिन टैनिंग ऑप्शनल है। हमने तो अपनी टैनिंग करी थी। आपको पानी चाहिए? मैं ले लूंगा उनको पानी, बर्फ बिना बर्फ के देना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपकी ना कुछ, आपने अचानक से मतलब ये बाहर, क्योंकि रोमानिया कभी मैंने इंडिया में सुना नहीं है कि कोई गया है खेलने, पहली चीज तो। और हाँ, 20 आवर्स लगे पहला मतलब, तो ये अचानक से आपका क्यों आया मन में, मतलब क्यों, मतलब आप गए रोमानिया, मतलब आपके कोच ने आपको, नील, आप वन ऑफ दी बेस्ट कोचेज इन वर्ल्ड नील योडा जी के पास हो आप, तो उन्होंने आपको सजेशन दिया था या आप अपने आप को आजमाना चाहते थे कि मैं अपने आप, क्योंकि भैया आप बहुत बड़े स्टेज पे गए हो, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या है कि जब ये शेरू क्लासिक इनको गोल्ड मिला, लेकिन प्रो कार्ड क्रैक नहीं कर पाए, मतलब अब जजमेंट जो भी हुई हमने सराखों पर रखा। हाँ जी, उसके बाद हमने कोच से बात करी और हम एक्चुअली अपने कोच को एक बार फिजिकली मिलना भी चाहते थे, बिकॉज ऑनलाइन इज़ वेरी डिफरेंट। वो एक्चुअली सारे बाहर के शोज में ही जाते हैं, वो इधर की साइड बहुत कम आएंगे। तो हमको जब पता चला कि वो वहाँ पे होंगे, बिकॉज उनके ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ पे खेल रहे थे। अच्छा, इन प्रो शो ऑलरेडी ओलंपिया एमेच्योर में भी थे काफ़ी सारे बच्चे, और मास्टर ओलंपिया में भी बहुत सारे थे स्टूडेंट्स। तो हमको ये अच्छा मौका मिला उनको मिलने का, तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया इनके लिए। उन्होंने बोला मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करना पड़ेगा, लेवल बहुत हाई है, तो मुझे अभी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है उस लेवल पे। करने को मना इनको भी कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली इनके अंदर पोटेंशियल थी तो इनको मना नहीं किया, मुझे मना कर दिया था। तो मैंने बैक सीट ले ली, फिर मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करी, वीज़ा की बात आई। अगर गाइज आप कभी भी कंपटीशन खेलने जाते हो, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो मेक श्योर आपको वहाँ से ज़रूर से इनवाइट आता है। इनवाइट आपके लिए आएगा जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए पे करोगे, मंगाना पड़ता है, भूलना मत। हाँ, ये वहाँ से आएगा। तो थोड़ी सी ट्रेजेडी आपके साथ भी हो गई थी बिंदिया? ये हो गई थी मेरे साथ, ये ह्यूमन एरर हो गया था, क्योंकि मेरा डेलीगेशन लिस्ट में नाम नहीं था, या तो वो देना भूल गए या इन्होंने मिसप्लेस कर दिया वीज़ा वालों ने। तो मेरा वीज़ा इन्होंने लास्ट 2 दिन पहले, लेकिन एट लास्ट रिजेक्ट हो गया। गई तो सही। मैंने मैं 2 दिन पूरा एम्बेसी के चक्कर काटती रही कि मुझे तो चाहिए, बिकॉज मैंने दोबारा उनको मेल करी, रजत ने दोबारा मेल करी कि इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इनका नाम डेलीगेशन लिस्ट में नहीं था। उन्होंने दोबारा मेरा नाम भेजा, मैंने दोबारा सारा प्रोसीजर रीअप्लाई करा, पैसे अलग से भरे, दोबारा से फॉर्म, पेपर्स, आपका पेपर वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, और उसमें काफ़ी सारी हलचल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका अकाउंट डल पड़ा हुआ है और आपने एकदम से उसमें एकदम से पैसे डलवा दिए और वो भी रिजेक्ट हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं कुछ क्लिप्स देखना चाहिए भी, जो भैया ने इतने पैसे भरे हैं वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन के, तो वो मैं वीडियो बीच-बीच में डाल दूंगा भैया, नहीं इसी में अच्छा दिख जाएगा। मैं आपकी स्टेज की, जो आप टॉप 4 आए हो, 5 आए हो, ये जब तक वीडियो ढूंढेंगे। एक और चीज, मैंने साड़ी पहनी थी गाइस, और मैंने चूड़िया पहनी, बिंदी लगाई, ये बाद में देखिएगा। मैंने इंडिया को अपना इतना ऊपर रखा कि सारे रोमानियन बोल रहे थे अगर इंडिया में ऐसी लड़कियां हैं तो हम सारी इंडिया उठ के आ रहे हैं। बताओ गाइस, अभी 2 तारीख को बिंदिया का बर्थडे है, और आप गैस एज गैस करना, मैं बताऊंगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 16 साल की हूँ। नहीं नहीं, आप गैस करिए, फिर रूपल जी आपको एक गिफ्ट देंगे। ये जो ये फूट रहे ना, जो इसके पिंपल्स फूट रहे, जवानी के दाने हैं ये, 16 साल में जो एक्ने शुरू होता है ना, अभी जवानी के फूट रहे हैं इसके। भैया दिखाइए, इतनी जवान बीवी मिली आपको। Oh my God. Finally, the administrative structure is by the way, I
वाओ भैया। और मैं चाहती हूँ एक बार अपने कंपटीटर जो आपके टॉप फाइव के अंदर आए थे वो एक जो आपका वो दिखाइए थोड़ा सा। ये मुझे एक चीज पूछनी है, लेग बहुत बड़ी बड़ी होती है इनकी। हाँ मैं वो बताता हूँ, अभी एक मिनट की क्लिप दिखा दो। ये टॉप फाइव है, मैं लास्ट का दिखा रहा हूँ जो लास्ट पोज होता है। गाइस देखो इनकी कोई बहुत ह्यूज लेग्स नहीं, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन क्लासिक बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग। ये देखो आप कितनी सिमेट्रिकल खूब सुंदर बॉडी। और रजत भैया आप इंडियन नहीं लग रहे हो के करके मानेगी माँ की बहन। नहीं नहीं, इंडियन तो वैसे भी कोई नहीं समझ रहा था जब तक मैंने अपना पल्लू नहीं लिया था। जैसे मैंने पल्लू ऐसे करा, ओ माय गॉड, वो कहते हम सलमान खान हैं रोमानिया के विदाउट मनी। आई सेड यू आर आउट देन। चलो नो मनी नो हनी। बताएंगे भैया कि भैया सब लोग बोलते हैं कि लेग्स बहुत बड़ी होनी चाहिए क्लासिक के अंदर, बड़ी होनी चाहिए। तो आप बाहर खेल के रहे हो तो वहाँ पे सारे आपने यहाँ पे भी देखा है, हमने दुबई का भी आप मुझे मैं पूछना चाह रही हूँ, दुबई में भी आप टॉप फाइव में आए थे। बहुत बड़ी टांगे होती है इनकी। देखो मेरी बात, मैं ऑलरेडी नील हिल के अंडर हूँ, ठीक है, और वहाँ पे भी उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ स्पेशली लोअर बॉडी को लेके। और मेरा पर्सनली जे कटलर से डिस्कशन हुआ रिलेटेड टू क्लासिक फिजिक। और जब वो मेरे से मिला, मैंने उससे एक ही बात पूछी कि इस पे एक मेन क्राइटेरिया अगर क्लासिक फिजिक का हो तो वो क्या होता है। तो सबका कहने का बस एक ही मतलब था कि आपका जो वी टेपर है, ठीक है, जो आपका वी टेपर है, ब्रॉड शोल्डर्स, वाइड लैट्स और सिमेट्रिकल नैरो वेस्ट, राइट, एंड कंडीशनिंग, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम द साइड। सो वो जो आप बात कर रहे थे वो किसी ने शूट करा है या वो सिर्फ? नहीं नहीं, वो मैं हूँ, मैं असिस्टेंट थी इनकी, मैं आपका काम मतलब तो मेरा वाला काम अब यू आर द रूपल, मेरा वही काम हो चुका है कि okay. सिर्फ इनके लिए जिंदगी कुर्बान, ठीक है, बट मेरी तरह मोटी मत हो जाइयो बहन। नहीं नहीं, वो जिंदगी में नहीं हो सकती, वो मेरे जीन्स में नहीं। सो वो है, यू हैव दैट वीडियो, मैं चाहूंगी कि यार वो वीडियो हम थोड़ी सी दिखाएं। हां हां पहले, हां बोल दो, सॉरी। हां तो आप जे कटलर ने सीधे सीधे ये बोला जो मैंने अभी बताया कि वाइड शोल्डर्स, ठीक है, ब्रॉड लैट्स, वाइड लैट्स, नैरो वेस्ट एंड कंडीशन लेग्स। ऐसा नहीं है कि लेग्स से देखना शुरू करते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नील के साथ जब मैंने पोजिंग प्रैक्टिस करी, उनके रूम में जाके उन्होंने इनवाइट किया, मैंने बुलाया, तो जब मैंने अपना बैक डबल बाइसेप्स पोज करा, उसने केवल एक बात पॉइंट आउट करी कि रजत विद योर पोज यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू शो, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके लेग्स बहुत चौड़े हैं, ठीक है, आप ऐसा पोज बनाओ ही मत कि आपके लेग्स लगे आपके बहुत चौड़े हैं। आपको कोशिश ये करने कि आपके लेग्स कंडीशन लगे, उनकी जो टाइटनेस है और जो सेपरेशन है और जो उनके कॉन्ट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे आपके फाइबर जो है वो निकल के आए। आप कभी भी कोशिश ये मत करो कि आपके साइड से राउंड लगने चाहिए या आपके लेग्स भरे हुए बड़ा दिखाने के चक्कर में, क्राइटेरिया है ही नहीं। उसने बोला इस पे आपको कोशिश करनी है, क्योंकि अभी जो आप पोजिंग कर रहे हो वो ऐसे ही कर रहे हो, इस चक्कर में आपकी सॉफ्टनेस आ रही है, हैमस्ट्रिंग में सॉफ्टनेस आ रही है, आपके ग्लूट्स में सॉफ्टनेस आ रही है। तो नेवर ट्राई टू शो दैट यू आर बिग, यू शुड बी वाइड नॉट बिग फ्रॉम द अपर बॉडी। एंड अपर बॉडी में विड्थ का मतलब ये कि शोल्डर्स राउंड कैप्ड, लैट्स राउंड, जो जब भी आप फ्रंट डबल बाइसेप्स करते हो या आप एब्डोमिनल विद थाई करते हो या आपका क्लासिक पोज करते हो, उसमें वो चीज़ दिखनी चाहिए। और कंडीशनिंग जो है टॉप और बॉटम की सेम होनी चाहिए। अगर आप वाइट ऊपर आप कंडीशन हो, मेरे को उसने पर्सनली बोला योर अपर बॉडी इज एक्सट्रीमली कंडीशन, लेकिन जब आप अपनी लोअर बॉडी की पोजिशनिंग ऐसे कर लेते हो कि आप उसे वाइट दिखाने की कोशिश करते हो तो नीचे से कंडीशनिंग खत्म हो रही है, तो जजेस के सामने ये इंप्रेशन जा रहा है कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी मैच नहीं कर रही है। तो देर आर टू डिफरेंट बॉडीज इन वन बॉडी, और यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स लूज कर दोगे। तो नेवर ट्राई टू शो द वाइडनेस, यू ट्राई टू शो द वाइडनेस बट डोंट ट्राई टू शो द साइज, साइज आप कोशिश मत करो, क्योंकि वो गेम ही नहीं है, वो क्लासिक है, बॉडी बिल्डिंग है, वो अलग है। हाँ। और कंडीशनिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी पोजिंग, इंडिविजुअल पोजिंग में मैं मात खा गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में होती नहीं इंडिविजुअल। ये इनकी जे कटलर के साथ जो कन्वर्सेशन हुई है, जो भैया ने इनका मैसेज हम तक पहुँचाया है अभी, हाँ दूर से वीडियो थी। अच्छा हाँ मैं दूर से। सो ये इतना बड़ा जो डिस्कशन हुआ है आपके साथ और इतने बड़े लेजेंड से अगर आपको आपको वो टिप्स दे रहे हैं, वो
सो भाई ये तो बहुत काम आने वाली है। सबके लिए वीडियो पोजिंग के लिए कुछ बोल रहे थे जब कट किया, मुझे याद आया कि आप मास्क लगाए पोजिंग में। हाँ, रूटीन हमारे यहाँ पर पोजिंग रूटीन नहीं होता इंडिया में, और बाहर सिर्फ प्रो शो में होता है। प्रो शो में होता है। मैं दुबई में भी गया था तो वहाँ 30 सेकंड्स का पोजिंग रूटीन था, लेकिन वहाँ पर हमसे म्यूजिक नहीं मंगा गया था। यहाँ पर क्या था, हमें 1 मिनट का पोजिंग रूटीन करना था प्री जजिंग में भी और फाइनल में भी, और ऑप्शन था कि आप अपना म्यूजिक भी दे सकते हो। हम लोगों को आदत नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम वो चीज़ तैयार नहीं करके गए एमेच्योर में, हम वो चीज़ तैयार नहीं करके गए। तो अब पोजिंग तो करनी करनी है, ऑप्शन नहीं था भाई। जो म्यूजिक ले रहा था उसको रिक्वेस्ट करी कि सर कैन वी गिव द म्यूजिक टुमारो, हम कल दे सकते हैं। उसने साफ मना कर दिया, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट हेयर। आप मुझे मेरा सवा सात साढ़े सात के आसपास मेरा वेट खत्म हुआ था, उसने बोला 8 बजे तक ला सकते हो तो ले आओ। अब ना हमारे पास वहाँ पेन ड्राइव, ना हमारे पास कोई और सोर्स, हम कहाँ से म्यूजिक लाएँ, उसे काटें, उसे चेक करें किस पे पोजिंग कर सकते हैं। तो जब तक हमने फिर भी करके मैंने अपना रूटीन तैयार किया अपने दिमाग में, और मैंने सॉन्ग सिलेक्ट किया, और भैया बहुत अमेजिंग डांसर है, उसे फिर एडिट करवाया इंडिया से अपने स्टूडेंट से। एडिट करवाने के बाद मॉर्निंग में मैं स्पेशली उसके पास लेके गया सुबह 9:30-10 बजे, उसके सामने रिक्वेस्ट करके खड़ा रहा मैं। हाँ। मेरे पास वो भी वीडियो है, मैं खड़ा रहा उस दिखाना जरा मुझे वो वीडियो, अपने पास आने नहीं दिया। अच्छा जी, नो मींस नो, नो मतलब हमारे इंडिया में एथलीट्स की कितनी रिस्पेक्ट है। अगर इंडिया में मैंने खुद देखा है कि एनपीसी वगैरह जब होते हैं, और अगर और इवन इन द प्रो शोज एंड ऑल, अगर प्रो नहीं, एक बार मेरे को याद है कि एक लड़का था जो सिलेक्ट हुआ था प्रो कार्ड के लिए, और वो थोड़ा लेट हो गया था, तो लिटरली उसका नाम अनाउंस हो रहा था, बार बार उसका नंबर अनाउंस हो रहा था, उसकी वेट हो रही थी इंडिया में कि उस बच्चे का निकल ना जाए। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नहीं आए तो नहीं आए फिर। और ऑनेस्टली मैंने लास्ट डे तक भी ट्राई करा, मैंने लिटरली, अब इन्होंने मुझे डांटा भी कि तूने किसी के आगे हाथ क्यों जोड़े, मैंने लिटरली ऐसे ही किया, मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप बोलो तो पैर पड़ लेती हूँ, प्लीज़ आप ये गाना लगा दो। उन्होंने कहा अगली बार करना, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है मैडम, थैंक यू। सो यहाँ पे क्या है, अगर कुछ होता तो हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी से जाके बात कर लेते, इट्स वेरी इजी कि शेरू सर को जाके बोल दो, या हेमंत सर को जाके बोल दो, या किसी को भी बोल दो, एंड टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे लिए हमको इतनी सहूलियत है कि हमारे यहाँ सुनवाई है, बाहर आपकी कोई भी सुनवाई नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस है गाइस, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें सबसे ये तो चलो उनका एक वो है। बाकी आपकी जजिंग में कैसा लगा आपको, कि जजिंग कैसी थी, फेयर जजिंग थी वहाँ पे? देखो जजिंग इज समथिंग, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव स्पोर्ट, ठीक है। आज के टाइम में अगर मैं बहुत अच्छा हूँ स्टेज पे तो जरूरी नहीं है, आप ऐसा मान के चलो एक बहुत अच्छी लड़की है जो सबको पसंद है, शायद मुझे वो पसंद ना हो, ठीक है, वो ये सब्जेक्टिव चीज है। तो इसीलिए अगर मैं बहुत अच्छा हूँ, अगर मान लो अगर जजेस के हिसाब से मैं मेरा फोर्थ प्लेस आई, तो शायद उन्होंने मुझे फोर्थ प्लेस इसलिए दी क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, या हो सकता है उन्होंने बहुत सारी चीजों को देख के दियो, चूंकि मेरे पास मेरा पोजिंग रूटीन नहीं था, और फर्स्ट इंप्रेशन वही होता है पोजिंग रूटीन का, ठीक है। और पोजिंग रूटीन भी आप एक दिमाग में सेट करते हो, और एक पोजिंग रूटीन की आप एक महीने से तैयारी करते हो, ठीक है। तो अभी फिर भी जो आप पोजिंग रूटीन मेरा मैंने जो अपलोड किया आप देखोगे, तो उस हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने विदाउट प्रैक्टिस उसको केवल दिमाग में सोच के कराया, और अगर वो मेरा गाना जो मैंने सोचा था ना, मैंने सोचा था बंदे सलाम वाला गाना, ठीक है। अगर वो लग जाता तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती, तो शायद मैं टॉप टू में भी आ जाता, तो आपका मोटिवेशन पावर बढ़ जाते कि स्टेज पे। दीपक तुम कुछ अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कभी आगे तुम जाओ खेलने के लिए बाहर? मैं क्वेश्चन सब एथलीट के लिए है जो क्लासिक खेलते हैं, जो लोगों के
सिर्फ वो चमड़े की जबान हिला देते हैं ना कि लेग्स छोटी है, वो आपको यानी कि एव नहीं दिखाने हैं, आपको वैक्यूम करना है। तो मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, भैया के साथ जो विनर था उसकी टांगें बहुत बड़ी थी जो ऑल ओवर जीता है, और उसने बहुत ज़बरदस्त वैक्यूम मारा था सीबम की तरह, क्या था उसके पास? देखिए दिखाओ कि भैया क्या था उसके पास। क्लासिक बीना सबसे पहले होती है सिमेट्री। अगर आपके लेग्स बहुत बड़े हैं और आपकी अपर बॉडी को मैच नहीं कर रहे हैं तो सिमेट्री तो आपकी वहीं खत्म। हिंदी में सुंदरता, ठीक है, सिमेट्री आपकी वहीं खत्म हो गई। उसके बाद आप देखो कि वैक्यूम की बात जब हम करते हैं, कहीं भी IFBB के क्लासिक फिजिक के रूल में ये नहीं लिखा है कि आप अगर वैक्यूम पोज हिट करोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। नो, नेवर। आप जो भी पोज कर रहे हो वो आप कितना कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, कितना सिमेट्री उसकी आपकी बॉडी में लग रही है, कितनी कंडीशन आपकी बॉडी लग रही है, उस पर मैटर करता है। पता चले वैक्यूम तो आपका फर्स्ट क्लास है लेकिन आपके ग्लूट्स पे फैट चढ़ा हुआ है, आपकी बैक में फैट चढ़ा हुआ है, ठीक है, आपके आर्म्स इतने छोटे से हैं, आपके शोल्डर है ही नहीं, तो वैक्यूम क्या कर लेगा भाई उसमें? अगर आपके एब्स प्रॉपर शो हो रहे हैं, ऑब्लिक शो हो रहे हैं, कंडीशन है, प्रॉपर एब्स कंडीशन है, पोज बहुत ही क्लासिक खूबसूरत लग रहा है, तो भाई वैक्यूम वाला तो वैसे ही पीछे चला जाएगा। तो भैया मतलब ये आप मुझे दिखाएंगे जरा जो ओवरऑल जीता था आपके ये साथ? चारों क्लास के विनर है। एक सेकंड, ये चारों क्लास के विनर है। ये? नहीं, ये ओवरऑल है। इसमें जो सबसे लंबा है सबसे लेफ्ट में ये वाला, ही वाज द ओवरऑल विनर। इसको और अभी ना मैं आपको ना इसका इनका सर इसको मैं ना इनका एक मिनट ये पोज दिखाता हूँ। देखो इसमें वैक्यूम बनता है सबसे ज्यादा। देखो जो ओवरऑल विनर है इसमें कितनी कमर चौड़ी लग रही है। नहीं जिस जो जीता है जो जीता है उसको वैक्यूम भी नहीं किया। नहीं वैक्यूम भी नहीं करा और एब्स भी ऊपर नीचे। इट डजंट मैटर एट ऑल। वैक्यूम मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आप इसकी जब सिमेट्री ये बैक स्टेज भी खड़ा हुआ था ना, मैंने मैडम को बोल दिया था कि ये डी क्लास का यही विनर बनेगा, जबकि ये नहीं मान रही। अच्छा डी क्लास का ये मान नहीं लेती, मैंने बोलते। अब आप देखो फ्रंट डबल बाइसेप्स में भी इवन इन द रिलैक्स पोज आप देखो कि बाकी तीन लोगों का कितना हार्ड वैक्यूम है और जो ओवरऑल विनर है उसका वैक्यूम ही नहीं है। वो रिलैक्स खड़ा हुआ, रिलैक्स खड़ा हुआ है, बिल्कुल रिलैक्स। आप कुछ लमसम ऐसे ही पोज करते हो, ज्यादा जोर नहीं लगाते हो। अब आप इसमें भी देखोगे फ्रंट डबल बाइसेप्स में भी आप देखो तीनों का वैक्यूम बन रहा है, लेकिन जो जीता है ओवरऑल जो जीता है उसका कोई वैक्यूम नहीं है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी बेसिकली, इट्स अ मिथ। बॉडी बिल्डिंग में क्या मैंडेटरी है? वो बेसिकली इसलिए करते हैं कि उनकी थोड़ा सा वी टैपर और ये थोड़ा सा पतला लगे टाइप का। जब से आई थिंक सीबम ने करना शुरू करा है ये तो बस कॉपी कर भेड़ चाल है। नहीं थोड़ी सी जिनकी कमर को पतली दिखाने के लिए भी करते हैं वैक्यूम। एक्चुअली वैक्यूम की वहां ज्यादा जरूरत पड़ती है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आपको पता है आपके एब्स ज्यादा कंडीशन वाले कहेंगे कि साले यहीं सोएंगे लगता है आज ना। नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे। पर्सनली मैं फील करता हूं कि अगर आपकी एक ग्लास और पानी पिला दो भाई, एब्डोमिनल्स और ऑब्लिक्स आपकी कंडीशन नहीं है, ठीक है, और आपको ये लगता है कि क्योंकि वैक्यूम से सारे एब्स घुस जाते हैं, पूरा मसल घुस जाता है, तो आपको वो कंडीशनिंग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनके स्ट्राइएशंस उनके सेपरेशंस जो है प्रॉपरली नहीं दिख रहे, मोटे मोटे बाहर आ रहा है, प्रॉपर ऑब्लिक्स का फ्लावर बाहर आ रहा है, प्रॉपर सेरेटस मसल अगर आपकी दिख रही है तो आपको तो वो शो करनी चाहिए ना। आप क्यों वैक्यूम के पीछे पड़े हुए हो? लोग वैक्यूम के चक्कर में अपनी पूरी पोज खराब कर देते हैं। इतना बेहतरीन पोज को वैक्यूम की प्रैक्टिस करते 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 करते, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको भी ये बोला था दीपक कि आपके जो एब्डोमिनल सेक्शन ओलंपिया प्रो 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 कार्ड के टाइम पे वो आपका एक तरीके से विनिंग पॉइंट है। आपके ऑब्लिक्स और जो पेट वैसे इतना छोटा है, इतना छोटा पेट है, और उसमें अगर सारे जो मसल सेपरेशन दिखेगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या तो मसल सेपरेशन को गायब कर दोगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और तुमने दीपक जब प्रो कार्ड खेले थे, प्रो कार्ड के लिए जब फाइट थी उसमें तुमने एक बार भी वैक्यूम नहीं किया था, और बहुत बड़ी बड़ी टांग वाले थे उसमें, बहुत बड़ी बड़ी, आप समझ गए कौन? मैं देखो दुबई में भी खेल चुका। अगर टांगे, लोग मेरे को इंडिया में बोलते हैं मेरा वीक पॉइंट मेरी टांगे है, ठीक है, दीपक को भी, इनको भी बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं, मतलब मेरे को कोचेज ने भी बोला, मेरे को मेरे साथियों ने भी बोला, सब लोगों ने बोला। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता दुबई में, मेरे कैटेगरी में सी कैटेगरी में 26 या 28 लोग थे, और ऐसी ऐसी कंट्रीज से, अरब कंट्रीज के, ईरान इराक अल्जीरिया इजिप्ट नाइजीरिया, इमेजिन रशिया जर्मनी, यहाँ के लोग थे, उसमें अगर मैं टॉप 5 में आया हूँ तो इसका मतलब मेरे लेग्स। क्या आप मुझे वो टॉप 5 की पिक्चर बिंदिया ढूंढ लेगी तब तक दिखा सकते हो? लास्ट ईयर की होगी। पीछे खाना चल रहा है मेरा, तो पेट फटने को हो रहा है। देखो रात के बज रहे हैं ये, मैं सोना भी, सुबह जल्दी उठना है। बिंदिया सुबह 4 बजे उठते हैं। हाँ वाइंड अप कर रहे हैं बेबी, बस लास्ट दिखा दे
बस ये छोटा सा एक्सपीरियंस था और बहुत ही मतलब कुछ भी प्लान नहीं था यहाँ पे, तो देखो दिवाली वो बन रही थी, सॉरी राखी बन रही थी, रैंडम गए हमने सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में, हमने किसी को भी नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम श्योर नहीं थे और मेरा तो वैसे ही मुझे खुद नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था, रूपल तक को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। देखो मेरे को देख लेते, दिखाओ भैया ये दुबई है, ये दुबई की फोटो है, ये फोटो है दुबई की विनर्स की। एक सेकंड भैया, दुबई वाले में पता है क्या ड्रॉबैक था? दुबई वाले में ये ड्रॉबैक था। आप कहाँ हो इसमें? सबसे एंड में ना, राइट में। ये अच्छा आप हो ये? हाँ, एक थोड़ा सा ज़ूम। देखो ये मैं हूँ। अरे वाह, ठीक है। और जो विनर है ये देखो है? हाँ जी, ये विनर है, ये सेकंड प्लेस है। अरे ये निग्रो तो बड़ा, ये फोर्थ प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है। कितनी बड़ी गोल टांगे इसकी, टांगे मैटर नहीं करती है, टांगे मैटर नहीं करती भाई, मैं बोल तो रहा हूँ। एंड लुक एट मी, मेरे से ज्यादा अच्छा मिड सेक्शन की अगर आप देखोगे नहीं दिख रहा, इवन अगर मैं पोज दिखाऊंगा आपको, लेट मी जस्ट शो यू द पोजेस। और आपकी तबीयत बहुत खराब थी वहां कोल्ड और उसकी वजह से। इवन आप ये देखो, अब इसमें ये बंदा जीता है, इसकी टांगे देखना जरा, और मेरी टांगे कम पे, इसका क्या था भैया ऐसा, ये जजेस को पता। अब मेरी टांगे देख लो और इसकी टांगे देख लो, अगर टांगे, इसकी चेस्ट, he has no vacuum, he has no abdominals also proper, he has no proper. अच्छा ये वाला देखो, अगर इसकी ये देखो, मैं तो इसे ही विनर समझ रहा था, वही मेरे लिए भी यही विनर है यार, मैं इसे विनर समझ रहा था। और दुबई तो बहुत टफ था यार, मैंने सुना है दुबई तो लास्ट, एक्चुअली कुछ पता नहीं कौन फर्स्ट आ जाए, मैं तो एक्चुअली रिजल्ट को सोच रही थी कि ये फिफ्थ है, सो इट्स एक्सपीरियंस एक्चुअली। I was confused between third and fifth for him, जब उनकी placing हुई। तो guys एक चीज और बोलूंगी, प्री जजिंग में आप अपनी जी जान लड़ा दो, 99.9% आपका रिजल्ट प्री जजिंग में सेट हो जाता है। अगर आप सोचो प्री जजिंग में आप 80% दो, शाम को आप मेन में आप फाइनल्स में दो 100%, तो कोई फायदा नहीं है उसका। आपको प्री जजिंग फाइनल की तरह खेलना पड़ेगा, तभी आपकी प्लेसिंग डिसाइड हो जाएगी। सो इट्स आई थिंक मेरे हिसाब से तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है फाइनल्स, वो ऑलरेडी रिजल्ट बना चुके होते हैं। सो भैया ऑल सेट फॉर प्रो शो, प्रो कार्ड, सॉरी पहले ही निकल गए थे प्रो शो, मुंह में घी शक्कर, मुंह में घी शक्कर, भैया बड़ा वाला घी शक्कर लूंगी मैं, अब टेंशन ना लो। दीपक रेडी प्रो कार्ड के लिए? रेडी हूं भैया, क्या पता प्रो शो खेल लो आप। देखो जय माता दी, क्लासिक फिजिक में इंडिया में, शायद मैं गलत हूं लेकिन मेरे को अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा जो दो बार गोल्ड जीता हो और प्रो कार्ड ना जीत पाया हो, और प्रो कार्ड ना जीत पाया हो। Exactly. वो सिर्फ किस्मत है, जब हर चीज सबको देखो समय पे मिलती, समय पे मिलती है भैया, गुड थिंग्स टेक टाइम फॉर सम। अगर आप जीत देखो, आप ये देखो बाहर जो करके आए हो ना, ये दुबई और ये अभी तक मैंने दुबई में पता है ड्रॉबैक एक ये था, दुबई में ना टॉप 3 को मेडल्स थे, 4th और 5th को मेडल नहीं था। तो जब पैसे भी देते हैं भैया, वो पैसे देते हैं, पैसे कहीं पर भी एमेच्योर हमारे यहाँ पे मेडल की वैल्यू होती है। अच्छा
मेडल आप दिखाओगे ना तो लगता है कुछ लेके आए हो, जबकि मेरे पास सर्टिफिकेट था। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन मेडल था, लेकिन यहाँ की वैल्यू फोर्थ प्लेस की ज्यादा हो गई। इमेजिन एग्जैक्टली, वो उस दुबई का मेरे पास सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट लेवल पे सर्टिफिकेट की वैल्यू है, मेडल की वैल्यू नहीं है, लेकिन जनरली आप देखते हो आपके हाथ में वो चमकता हुआ कोई चीज है। अच्छा गाइज, एक बात और है, जैसे मैं कई बार बहुत ज्यादा स्टुपिडिटी करती हूं कि अपने सर्टिफिकेट इधर उधर फेंक देती हूँ, रख देती हूँ, उनको नहीं, बिकॉज जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो ये सारी चीजें वो मांगते हैं। आपका आपके लास्ट फ्यू जितने भी आपने खेले हैं नेशनल लेवल पे, अगर आप या फिर कोई भी इंटरनेशनल पे खेला है तो उसके वो फोटोकॉपी अपने पास रखते हैं, तो ये आप संभाल के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे दीपक प्रो शो वगैरह जीता, ये सब लगेगा, ये सर्टिफिकेट जब भी बाहर जाएंगे ये मांगेंगे। तुमने तो फ्रेम करा दिए सारे, कोई नहीं फ्रेम करके उसका पिक्चर भी ले सकते, उसकी फोटोकॉपी, पिक्चर की आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लो या नॉर्मल फोटोकॉपी करा लो, डजंट मैटर, आपके पास एक प्रूफ है, उन्हें ये कलर्ड और उससे कोई मतलब नहीं है। तो भैया ऑल सेट फॉर प्रो शो, प्रो कार्ड के बाद प्रो शो, ठीक है? चलो इस बार भी मैं आके पीछे, हर बार मैंने आपको सर पे आके किस की है, इस बार भी करूंगी। और वी आर वेरी हैप्पी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इनकी ग्रोथ हुई है, पहली बार ये फिफ्थ आए, फिर ये फोर्थ आए, अब भगवान करे। और इंडिया में दो बार गोल्ड आ गए, यस इंडिया में दो बार गोल्ड आ गया, इस बार प्रो कार्ड आएगा, आएगा ही आएगा, बिकॉज इसकी मेहनत के आगे मैं गिव अप कर चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा, और भगवान हर सैक्रिफाइस, क्योंकि इवन मैंने भी अपना करियर, यू नो दैट रूपल ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, सब कुछ लेडी लक दीपक को दिया है, और इस बार जब तूने सैक्रिफाइस करा ना बहन, 213 प्रो का 13 भी मिलेगा, इसको मिल गया तो मुझे भी मिल गया, बिकॉज मैं ना इसकी रो रही है भैया, जुनून, इसका जो जुनून है ना उसके आगे मैं गिव अप करके, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं बहुत सेल्फिश थी कि यार बॉडी बिल्डिंग इतनी कर रहा है, बॉडी इतनी अप एंड डाउन जा रही है, कहीं इसको कुछ हो गया, मेरा तो बस यही है और कोई नहीं है लाइफ में, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना इसको इतना पागल, फिर मुझे लगता है कि यार कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा है वो आप बदल नहीं सकते, लेकिन इसको मिलना चाहिए जो भी कुछ है। मैंने इसके पैर तक भी दबाए हैं, मैंने इसको उठने नहीं दिया, मतलब मैं चाहती थी कि ये, मैं जिम तक भी नहीं गई क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं गिर विर ना जाए, मेरे को बहुत डर लग रहा था, जब ये डायरोटिक वगैरह लेते हैं ना तो थोड़ा सा, क्योंकि दुबई में एक बार ये गिर गए थे बिकॉज वो डिहाइड्रेशन में, तो मेरे को वो फियर बैठा हुआ है कि मैं 3-4 दिन बस साई की तरह साथ लगी। कहते हैं बहुत सारे रिलीजन में होता है कि आप सैक्रिफाइस करते हो, उस सैक्रिफाइस वो कभी बिंदिया खाली नहीं सकता, यू सैक्रिफाइस्ड फॉर योर लव, फॉर योर हस्बैंड, सिर्फ खेलना मेरा काम है, सिर्फ काम करना, जो भी लोड है काम का, इसकी क्लासेस, इसका काम, वो मैं कर लूंगी, लेकिन दिखाता नहीं ये रोता है, और मैं इसके सामने नहीं रो सकती। आदमी नहीं बोल पाते, सब कुछ अपने दिल में रखता है, और इसीलिए शायद इसको थोड़ी एंजाइटी हो रहती है उस शो से पहले, तो मैं चाहती हूँ कि ये काम रहे, मतलब कि मैं कर पाऊंगा, अच्छा करूंगा। हाँ, वो हर एथलीट का रहता है, मतलब जब देखो एग्जाम भी देने जाते हो तो फील आता है कि पॉटी आ रही है, यस यस, लेकिन आती नहीं है, सुसू आ रहा है। ऑनेस्टली मैं जब भी लिफ्ट करने जाती थी, मेरी जैसे ही बेल्ट बांधने वाला होता था पावर लिफ्टिंग में, तो मैं इसको बोलती थी मुझे सुसू आई है, आंसू पी लो पहले आपको, वो बेटा तू मेरी जबान रख ले, आज तू देख ले, मैं वैष्णो भी लेके जाऊंगी तुम दोनों को, मैं घोड़े बैठ के जाऊंगी, तुम लोग पैदल आ जाना। इसने बहुत किया मेरे लिए फिटनेस में, फिटनेस में ही हैज पुश्ड मी, पावर लिफ्टिंग में यू कैन डू योर बेस्ट, ऑफ कोर्स मैंने 100% दिया, लेकिन ही बिलीव्ड इन मी, ही पुश्ड मी, अब मेरा टाइम है, आई हैव टू गिव माय 100% टू हिम एंड मेक हिम अचीव हिज ड्रीम। तूने तो दिया है यार, और तू दे रही है, और तू बहुत अच्छी है, ही इज, यू बोथ आर ब्लेस्ड, दोनों चिपक जाओ एक गुलाब जामुन और एक रसगुल्ला है। So guys, जो जैसे दीपक ने बहुत अच्छे अच्छे टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे कि भाई ये क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है,
कि ये ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा बोलते हैं या सब लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन एक जो पॉइंट आ जाता है ना कभी कभी वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे वैक्यूम वाला बोला, लेग्स वाला बोला, और मैंने दोनों जगह ही ये चीज़ को रियलाइज़ किया, मैं बता रहा हूँ। और मेरा फीडबैक कह रहा हूँ, जो भी मेरे को नॉलेज मिली नील से या जे कटलर से एंड ऑल, या मैंने स्टेज पे देखा, मैंने बहुत सारे कोचेस से भी पीछे बात करी जो इतने बड़े लेवल के नहीं है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स निकालते हैं, एथलीट से पर्सनली बात करी। अब कुछ लोग क्या होता है, कितनी लोडिंग करके स्टेज पे चढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह से कुछ नहीं खाते कि उनका पेट बाहर ना आ जाए, ये गलतियाँ करते हैं। और मैं कुछ भी खा लूं तो मैं अपने पेट को खींच लूंगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन मैं अपने पेट को खींच लूंगा। जैसे मेरा उल्टा है कि मैं कुछ भी अपने पेट को खींच ये पोज नहीं कर पाता, तो मतलब हर किसी का डिफरेंट होता है। वही डिफरेंट, तो वो ना एक्चुअल में एक एथलीट को समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देखो खुद की बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। मैं किसी कोच की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक एथलीट का भी ये फर्ज है कि वो कोच के साथ साथ खुद भी सीखे और समझे कि भाई मेरी बॉडी क्या कह रही है, पिछले कॉम्पिटिशन में क्या बोला मेरी बॉडी ने, अब क्या बोल रही है, और वो उस चीज को कोच से डिस्कस करे। देखो आप अंधा विश्वास करो, आप उसकी मानो, सब कुछ करो, लेकिन आप उससे पॉइंट्स भी डिस्कस करो अपने कि मेरे को, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं फीलिंग हो रही है, तब तक कैसे पता चलेगा मैं बहुत अच्छा ऐसे कर सकता हूँ या मैं इस चीज को इस तरीके से अवॉइड कर सकता हूँ एंड ऑल। मुझे पता है जब मैं नील से क्वेश्चन करूंगा मुझे वहां से डांट पड़ेगी, गालियां पड़ेंगी, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, मैं फिर भी करता हूँ। He gives so much of food, इतना खाना देता है बंदा, मतलब सेम प्रोटीन एक दिन पहले ही जो आपके गेनिंग में चल रहा है, इमेजिन। मैंने उसको बोला आई कांट कोच, आई कांट ईट दिस मच, प्लीज रिड्यूस द फूड, तो उसने बोला ओके फॉर दिस मील यू रिड्यूस दिस मच क्वांटिटी, इतना उसने उस दिन। तो सबसे पहले आपका कहना ये है कि आपको एथलीट को अपनी खुद की बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपसे आप अपने आप से ज्यादा अपने आप को नहीं जान सकते, अपनी कमियां, अपनी कोच पे कोच चेंज कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि खुद की कमी है। हाँ एग्जैक्टली, क्यों कर रहे हो कोच पे कोच चेंज, भाई वो आपको जिता नहीं पाया क्या, इसलिए कर रहे हो ऐसा, या खुद में आप में कमी हो, हर साल सेमी ओलंपिक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है आप ये तो देखो, क्या पता आप गलती कर रहे हो या क्या पता कोच भी गलती कर रहा है, तो वो कैसे सही होगा। एग्जैक्टली, जब आप लोग आपस में डिस्कशन तो बात करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, और वो तभी हो सकता है जब कोच भी नॉलेजेबल हो और आप भी नॉलेज गेन करो साथ साथ। एग्जैक्टली, सो गाइस बहुत लेट हो गया है, बिंदिया सुबह 4 बजे उठने वाली है और मुझे भी उठना है। हाँ दोनों को उठना है, तो मैं यहीं समाप्त करूंगी। बहुत ही इमोशनल नॉलेजेबल एक चीज और बोलूंगा कि किसी भी तरीके की किसी भी एथलीट को अगर जरूरत हो रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस बाहर जाने से रिलेटेड, हाँ तो वो प्रो रजत, हाँ बिंदिया, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कभी भी डीएम छोड़ दीजिए, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। आपको जिम में आके मिलना है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। वर्कआउट सेशंस लेने हैं, पोजिंग सीखनी हो बिंदिया से, आप कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स में यहाँ पे बहुत सबसे बड़ी टीम गाइज फीमेल्स की सिर्फ इन दोनों के पास है और इंडिया में किसी के पास नहीं, और बिना मेडल आज तक टचवुड नहीं उतरा कोई। और गाइज एक बात और बोलूंगी, आप लोग बहुत बहुत, इनफैक्ट हम लोग बोलूंगी बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम इंडिया में, हम इंडिया में हैं जहाँ पे हर चीज बहुत आसान है, और हमको शेरू सर ने, हेमंत सर ने और मनीष गांधी सर ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है हमारे बॉडी बिल्डिंग भाई, बॉडी बिल्डर भाइयों के लिए, जहां उनके इतने ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे सिर्फ। अच्छा मैं इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अब बता फिर कंटिन्यू करो। मेरा ये है कि अपना दिमाग यूज करिए और अगर सही रास्ता चुनिए, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं, और अगर आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना है तो एक बार बाहर जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वेयर यूज क्या बाहर, जैसे यहाँ पे जैसे ही आप स्टेज से उतरते हो तो भाई आपके पास तो भरमार आ जाती है, अगर आप अच्छे थोड़े गुड लुकिंग हो, अपना अच्छे से आप सोशल मीडिया प्रमोट करते हो, तो क्या बाहर भी ऐसा होता है कि ब्रांड्स ऐसी लगाते, नो ये तो हमारे बहुत फायदा है हमारे इंडिया में कि भाई ब्रांड कुछ नहीं है।
वहाँ पे अगर उनको फर्क नहीं पड़ता एरिना फुल है या नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ कोई वीआईपी टिकट है या नहीं है, मतलब नहीं अगर उनका एरिना फुल नहीं है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीटें खाली नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं क्वेश्चन पूछ रही, मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब है वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं कोई ब्रांड्स आ रहे हैं कि ब्रांड्स ऑफर्स है इस तरीके से, ब्रांड्स आपको अप्रोच कर सकते हैं बाद में, बाद में आपको मेल कर सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से, वहाँ खड़े होके ऐसे बात नहीं करेंगे भाई तू हमारे पास आ जा भाई तू हमारे पास आ जा, अच्छा ऐसा ना कोई ऐसे बंदे पे बंदा चढ़ता, बट इंडिया में तो इंडिया में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, यस यस दैट्स व्हाट ना, बहुत आपको डायरेक्ट ऑफर्स मिलते हैं, ऑफर्स मिलते हैं ब्रांड्स में यार, 10,000 से लाख लाख रुपए भी ब्रांड्स पे करती है, आपको लोगों का इतना प्यार मिलता है यहाँ पे कि आप बाहर जाओ चीखे मारते हैं लोग, फोटो खींचने के लिए बोलते हैं, फोटो खींचने के लिए बोलते हैं, आप फॉर्चुनेट है कि आपको यहाँ पे लोग चाहते हैं, आप तो आपको जान स्टेज से उतरो अगर आप गोल्ड मेडल भी लोगे तो कोई आपको फोटो नहीं खींचवाना, कौन हो आप, हम लोग देखते हैं ना कि इतने ये एथलीट को इतना स्पॉन्सरशिप मिल रही है, कपड़े भी मिल रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, ट्रेनिंग भी मिल रही है फ्री में, तो भाई हम लोग वो टॉप मोस्ट एथलीट को देखते हैं जो घिस घिस के वहाँ पे पहुंच चुके हैं, इतने लोग जो ऐसे नीचे है जो ऑलरेडी हम लोगों के जैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी, कोई भी बाहर लोगों को लगता है कि भाई अच्छा दीपक का तो, पर हमें मुझे पता है ना कि मेरी बिंदिया आपको पता है बिल्कुल भी बहुत ज्यादा शी इज नॉट सोशल मीडिया, जब भी मुझे मिलती है मैं हमेशा कंटेंट ये वो सब कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ, दीपक की रील्स वगैरह, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर ही यही है, अगर मैं इसको दीपक को प्रमोट नहीं करती ना तो आज ये भी गुम हो जाता जो रियलिटी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अगर एक चीज और बोलूंगा मैं जी भैया, सबसे बड़ा खर्चा पानी का, अच्छा मैंने आधा आधा की लीटर बॉटल 400-400 रुपए में खरीद के भाई पी लो I'm अच्छा। telling you, यूरोप में स्पेशली आप बाहर जाओगे तो या तो आप टैप वाटर पियो भाई, इंडिया देखो इट्स ओनली इन इंडिया, कौन सा गाना है, मैंने अपना पानी भी सैक्रिफाइस कर दिया टैप वाटर पी थी, या तो आप टैप वाटर पियो कि टैप वाटर भी क्लीन है वहाँ का, या आप हमेशा पानी खरीद के पियो, इसको 8 लीटर पानी पीना है और आधा लीटर ही 400-500 का था, मैं भी पानी पीते ये भी पानी पीता तो मैं एक एक सिप पी रही थी, बाकी मैंने कहा तुम पियो, तो आपको पानी कितने का लग गया फिर। एक्चुअली एयरपोर्ट पे हर चीज महंगी होती है, जो चीज हमें 70-80 रुपए की हमको वहां पर मिलती सुपरमार्केट में, वही चीज एयरपोर्ट पे हमने 350-400 रुपए की खरीदी, क्योंकि ट्रैवलिंग हमारी 20 घंटे की फ्लाइट थी, हमारे 2 स्टॉप 3 स्टॉप ओवर थे, और फ्लाइट में पानी नहीं देते, अरे फ्लाइट में देते हैं लेकिन 8 घंटे अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो कहाँ से पानी पियोगे, आपको तो खरीद के ही पीना, अच्छा टैप वहाँ है ही नहीं जैसे इंडिया में होता है, पी सकते हो, नहीं वहाँ तो कुछ नहीं है पानी यार, इंडिया कितना नहीं है, वो देंगे भी नहीं आपको, मैंने गलती से पिज्जा के साथ केचप मांग ली, मेरे से पैसे ले लिए 120 रुपए, मुझे क्या पता कि सॉस के भी पैसे लेते हमारे इंडिया में भाई, यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया, हिसाब किताब चल रहा है, बर्तन मज रहे हैं यहाँ पे बैठे, इंडिया बहुत ऊपर है यार, बहुत ऊपर है, हॉस्पिटैलिटी में कह लो और कंफर्ट में कह लो, यहाँ से तो निकल के रिक्शा मिल गया ऑटो मिल गया, वहाँ तो खुद अपने आप को लदेड़ के चढ़ना पड़ता है, एक तो डिप्लीटेड, ऊपर से पानी कम डायरोटिक और ऊपर से सामान लाद के पैदल चलो, तो भाई तुम तो गधे हो बिल्कुल, गधों की तरह लाद के सामान चलना पड़ता है, उसके बाद आप बाहर के जेनेटिक्स से स्टेज पे लड़ रहे हो और जीत भी रहे हो, जीत बहुत बड़ी बात है, नहीं रहे हो तो एटलीस्ट आप इंडिया को या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट। अच्छा और एक चीज लास्ट ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि बैक स्टेज में रजत को किसी एथलीट ने पहचाना, वो शेरू क्लासिक में आए होंगे और इंडिया आए थे तो बोला ब्रदर आई सॉ यू देयर एट शेरू क्लासिक, और प्रो टाइम की जो टीम है जिनसे हमने टैन भी नहीं कराया था, जो लोगों का कर रही थी यहाँ शेरू क्लासिक में, उन्होंने बोला इनको वही उधर है चेरू क्लासिक, वो थोड़ी हाँ जो मेरे दीपक के वो बहुत अच्छा नेचर है, वो ऑनर की बेटी है, तो वो पहचान गई एंड इट वाज रियली गुड कि इंटरनेशनल जाके आपको कोई पहचान पा रहे, और मैं तो वैसे ही स्टार थी वहाँ, मेरी फोटो देखिए आप साड़ी में बिल्कुल इंडिया रिप्रेजेंट कर रही, नहीं दिखाई दे दी भैया, अब से सिर्फ आपको ही दिखा रहे थे, ये देखिए ओ माय गॉड मेरे भारत की चूड़ियां, क्या बात है, आपको पता है गाइस बिंदिया एक रैंप मॉडल रह चुकी है लैक्मे फैशन वीक, इंडिया फैशन वीक, पता नहीं कितने डिजाइनर्स के लिए वॉक कर चुकी है, और अब वो एथलीट भी करी है, मैंने शेवरले भी की पहली थी छोटी वाली गाड़ी, तो वो बाद में कवर करेंगे, एक दिन दिखाएंगे पर्सनल लाइफ दिखाएंगे इनकी, इनका एक दिनचर्या कवर करते हैं, दिनचर्या ऐसा है कि कोलू का बैल नाम दे देंगे आप मुझे,
नहीं नहीं, दिनचर्या एक सुबह से पूरा ना होना चाहिए, लोगों को पता तो चलना चाहिए भाई एथलीट लाइफ कैसी होती है। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक चलती रहती हूँ। चलो गाइस अब वाइंड अप करते, इतना लंबा व्लॉग आप देखने वाला भी नहीं हो। चलो बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय। इतना लंबा ना देखेंगे भी नहीं। चलो फिर भी डालना जरूर। हाँ डालेंगे। हाँ एंड सॉरी बेटा, सॉरी ये कहेंगे कब जाओगे।